लगातार दूसरे दिन भी बरसात का दौर नागौर जिले भर में जारी है। दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते जिले के किसान खेतों में अपनी तैयार फसल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पिछले 36 घंटों से हो रही बारिश से खेतों में तैयार इसबगोल, जीरा और गेहूं की कटी फसलों में जबरदस्त खराबा हुआ है। अनुमान के अनुसार इस बारिश से जिले के सभी किसानों को 4 अरब से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। उधर उदयपुर जिले के ग्रामीण अंचल और मेवल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे। किसानों का कहना है कि एक तरफ कोरोना की वजह से पहले ही मजदूर बहुत परेशान हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, दूसरा जैसे तैसे काम चलाया तो कुदरत ने भी ऐसा कहर ढाया है कि रोने के सिवा अब कुछ इनके पास बचा ही नहीं है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मौसम की मार, किसान जो इसार-सार, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नागौर की तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर पकी पकाई फसल किस तरीके से बर्बाद यहां पर हो रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। और उदयपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से किसान पहले ही परेशान हैं, वो खेतों से अपनी फसल को घर नहीं ले पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो फसल तैयार हो चुकी उस पर भी बारिश की मार किस कदर पड़ी है, जो उसके लिए चिंता का विषय है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में।